हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल डेविल्स स्टडी पे। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग एमआईएल हिंदी 100 मार्क्स का जो आपका पेपर होता है एमआईएल हिंदी का पार्ट टू के लिए, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन जारी करने वाला हूं आज की इस वीडियो में। और आप कम पढ़ के 80 नंबर तक ला सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें एक भी चार्जेज आपको नहीं देने होंगे। ऐसे भी आपको पता होगा कि डीवीएस स्टडी या डीवीएस टीम आप सभी के लिए काफी हेल्प की है आपके एग्जाम में। लगभग 5 से 7 हजार स्टूडेंट को डीवीएस टीम के द्वारा काफी मदद मिला है एग्जाम में। लगभग 20 वीडियो डीवीएस टीम के द्वारा जारी किया गया था, जिनमें से लगभग हर एग्जाम में जिस जिस पेपर का क्वेश्चन पेपर या गेस पेपर जारी हुआ था डीवीएस टीम के द्वारा, वहां पे कम से कम आपके एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन निश्चित रूप से मिले हैं। और आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन लिखने होते हैं? 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। तो आपको कम से कम 5 क्वेश्चन सब पेपर में मिले हैं, चाहे वह हिंदी का हो, हिस्ट्री का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, या जिस भी सब्जेक्ट का हो, सारे सब्जेक्ट में मिले ही हैं। तो आप कंफर्म कर दीजिएगा कि इस वीडियो के नीचे जब एमआईएल पेपर का आप एग्जाम देकर आएंगे तो आपके एग्जाम में इस वीडियो के माध्यम से कितने क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले इस वीडियो में हम सभी लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, आखिर सिलेबस है तो है क्या? इस सिलेबस को समझना काफी इंपॉर्टेंट है, तब आप कम पढ़कर भी ज्यादा नंबर ला सकते हैं। लेकिन कैसे, वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले बुक समरी का मतलब क्या है? आपके एग्जाम में लगभग कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 8 क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में ही 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अथवा कर करके, यानी कि 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहां पे 8 क्वेश्चन हुए, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक में अथवा करके, ऐसे रहेगा। तो 8 क्वेश्चन में आपको मात्र 3 क्वेश्चन का आंसर देना होगा, और एक क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे? तो 15 नंबर के होंगे। इस प्रकार 45 नंबर का होगा। हो सकता है कि किसी व्यक्ति का चरित्र चित्रण करने के लिए बोला जाए, किसी पाठ्य का नाम दे दिया और कहेगा इसका सारांश प्रस्तुत कीजिए, यानी कि यहाँ पे कविता से नहीं बल्कि कहानी से संबंधित आपके एग्जाम में 45 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जो मात्र आपको 3 चैप्टर ही पढ़ना है, और 3 चैप्टर में अलग अलग व्यक्ति का उसका चित्रण करना है, उसके बारे में पढ़ना है, जो आप लोग सिलेबस में पढ़ चुके होंगे, इससे पहले वाले जब आप बुक खरीदे होंगे उसमें पढ़े होंगे। अगर ना भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, आगे सिलेबस डिस्कस करने के बाद आप सभी के लिए यहाँ पे गेस क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ। देखिए यहाँ पे गेस क्वेश्चन भी है, लेकिन कौन सा गेस क्वेश्चन है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। 45 नंबर में कम से कम आपके एग्जाम में 30 नंबर जो मैं गेस क्वेश्चन लाया हूँ वहां से आपको 30 नंबर कन्फर्म होंगे। आगे जो 2 पोएम लिखना है, यानी कि 2 अर्थ लिखना होता है, अर्थ कविता से वह पंक्ति लिया हुआ रहता है और उसका 2 का अर्थ स्पष्ट करने के लिए बोला जाता है, यहां से भी हम लोग मान लेते हैं कि कम से कम कितना 15 नंबर के आसपास में आपको मिलने की संभावना है। कितना? 15 नंबर मिलने की संभावना है। आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो 15 नंबर यहाँ से कन्फर्म होगा। उसी के साथ आगे यहाँ पे देखेंगे, आपके एग्जाम एमआईएल पेपर सेकेंड में हिंदी पेपर में आपको क्या पूछा जाता है? एक एसे भी लिखने के लिए बोला जाता है, और एसे कितने नंबर का होता है? तो 20 नंबर का होता है। एसे कितने नंबर का होता है? 20 नंबर का होता है। जब 20 नंबर का एसे है तो इसको आप लिखेंगे तो कम से कम लगभग 12 से 17 12 15 नंबर आपको मिल ही जाएंगे। तो एक्यूरेट एसे 12 ही नंबर या 15 नंबर कैलकुलेट करते हैं, 15 नंबर यहां से कैलकुलेट करते हैं हम लोग, एसे से 15 नंबर और पोएम से 15 नंबर, यानी कि 30 नंबर यहां से हो गया। कितना? 30 नंबर यहां से हो गया। और ग्रामर काफी इजी होती है, ग्रामर जो होता है वह काफी इजी होता है। यहाँ पे लिंग निर्णय, विपरीतार्थक के साथ साथ एक और पूछा जाता है जो आपको गेस पेपर में बता दिया जाएगा। यहाँ पे आपको सिलेबस कंफर्म हुआ और यहाँ से भी 12 नंबर आपको मिल जाएंगे, 30 30 60 और 12 72 नंबर हो गए। और थोड़ा सा आप ध्यान लगाएंगे, थोड़ा अच्छा से लिखेंगे तो समरी में ये नंबर 30 से बढ़कर 40 भी जा सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे। यह सिलेबस की जानकारी हुई, आगे हम लोग गेस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और डीवीएस टीम के साथ जुड़े रहिएगा, आपको पार्ट 3 में भी काफी हेल्प मिलेगी इस चैनल के माध्यम से। जैसे यहाँ पे भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराया गया था गेस क्वेश्चन, उससे भी आपको काफी लाभ मिला। लगभग 5 से 7 हजार स्टूडेंटों को मैं पर्सनली मैसेज करके, ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, यहाँ पे टेलीग्राम का नाम आया तो टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग अभी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वीडियो आने में कोई दिक्कत हो जाती है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट मिल जाएगी। और साथ में गेस क्वेश्चन जो जारी नहीं हुआ था वो भी आपको गेस क्वेश्चन डीवीएस टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दिया गया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो टेलीग्राम ग्रुप से लाभ उठा चुके हैं, और डीवीएस स्टडी आप सर्च करेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे तो वहां पे आ जाएगा। लगभग 300 के आसपास में वहां पे स्टूडेंट जुड़े हैं, तो आप भी जुड़ जाइए।
यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन दिए होंगे और निम्न में से किन्हीं तीन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यानी कि यहाँ पे चार क्वेश्चन पूछे जाएंगे और चार क्वेश्चन में से अथवा कर करके दो क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी हुई, एक नंबर क्वेश्चन के लिए 8 क्वेश्चन हुई, जिनमें से आपको मात्र 3 क्वेश्चन लिखना है। एक का यहाँ पे अथवा में देख लीजिए, पहले लिखा हुआ है आंजनेय काव्य के कथा पर प्रकाश डालिए, दूसरा है आंजनेय महाकाव्य के प्रतिपाद्य की विवेचना कीजिए, आंजनेय महाकाव्य के सृजन परियोजना की मीमांसा कीजिए, इसके बाद है आंजनेय के प्रबंध नायक हनुमान की चरित्रकार विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यहाँ पे टोटल क्वेश्चन एक ही चैप्टर से चार क्वेश्चन लिए गए थे, क्यों, क्योंकि एमआईएल पेपर दो दिन में आपका एग्जाम कंडक्ट होता है, एक आर्ट्स के लिए और एक कॉमर्स के लिए। आर्ट्स कॉमर्स का सेम होता है और साइंस का अलग होता है। यहाँ पे एमआईएल पेपर कितने में कन्वर्ट होते हैं, तो दो पेपर में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि एमआईएल हिंदी का एग्जाम दो दिन होता है। तो हो सकता है आंजनेय से ऊपर वाला दो क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछ लिया हो, यानी कि पहले दिन पूछ लिया हो, तो सेकेंड दिन हो सकता है इसके नीचे वाले जो दो क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वेश्चन आपके सेकेंड एग्जाम में पूछ ले। इसलिए मैं एक चैप्टर से मात्र आंजनेय से ही चार क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर इसे छाड़ दिया जाए, यहां से आपके मात्र दो ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आंजनेय से, यानी कि अथवा करके पूछा जाएगा। क्वेश्चन तो एक ही रहता है लेकिन वहां से अथवा करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दो क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, यानी कि पहले शिफ्ट में पूछा गया, दो क्वेश्चन बाद में पूछा जाएगा। किससे, तो आंजनेय जो अपना चैप्टर है उससे। आगे बढ़ेंगे, संघ मित्रा रचना के आधार पर नीलमणि महेंद्र का चरित्र चित्रण करें। क्या करना है, संघ मित्रा रचना के आधार पर नीलमणि या महेंद्र का चरित्र चित्रण करें। यह क्वेश्चन हो सकता है कि पहले दिन पूछा जाए, हो सकता है यहां से अब जितने भी क्वेश्चन है वह काफी इंपॉर्टेंट है और किसी भी शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी दिन पूछा जा सकता है, चाहे आर्ट्स का पेपर हो, कॉमर्स का हो या साइंस का हो। आप किसी भी सब्जेक्ट से एमआईएल हिंदी का आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपसे सभी क्वेश्चन पूछने की संभावना रहेगी। पहला है आंजनेय से संबंधित, मैं आपको बता चुका हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है, आप इसे स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा। संघ मित्रा रचना के आधार पर नीलमणि महेंद्र चरित चित्रण करने के लिए बोला जा सकता है, या तो अथवा करके बोलेगा संघ मित्रा कथा का सारांश लिखिए। संघ मित्रा कथा का सारांश लिखिए, सबसे पहले किसी भी चैप्टर का आप कुछ भी पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन सारांश कम से कम एक बार निश्चित रूप से पढ़ ही लीजिएगा। क्या, समरी एक बार कम से कम पढ़ ही लीजिएगा चैप्टर के बारे में। हो सकता है यहाँ पे महेंद्र और नीलमणि बोला जा रहा है और महेंद्र और नीलमणि आपसे न पूछकर कोई और पूछेगा, तो सारांश आप पढ़ रहिएगा, तो सारांश में पूरे चैप्टर का निचोड़ रहता है, यानी कि आप जब सारांश ही पढ़ लेंगे तो उस चैप्टर से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे। इसलिए किसी भी चैप्टर का आप यहाँ पे सिर्फ नाम ही देख लीजिए, संघ मित्रा का कम से कम आप एक बार सारांश पढ़ लीजिएगा, उसी प्रकार राम राज्य का भी सारांश एक बार पढ़िएगा। पूरा चैप्टर का ही वहां पे क्या होता है, समरी होता है, निचोड़ होता है। आप जब सारांश पढ़ लेंगे तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन के छूटने की कोई संभावना ही नहीं है। मानते हैं कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, फिर भी आप उसका आंसर सारांश के माध्यम से जुड़कर लिख सकते हैं। यहाँ पे हुआ 45 नंबर का क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको मिल गया। पहला है आंजनेय से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, दूसरा है संघ मित्रा से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और थर्ड है राम राज्य से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। राम राज्य से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछने की संभावना है, राम राज्य एकांकी की कथा वस्तु पर प्रकाश डाले, कथा वस्तु पर प्रकाश डाले या तो नाट्य शिल्प पर प्रकाश डाले, यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या इसी में पूछा जाएगा। राम राज्य के आधार पर नीचे कुछ मेरी डिस्प्ले खराब होने की वजह से यहाँ पे नीचे की फॉन्ट नहीं दिखाई दे रही, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, आपको पूरी अच्छी तरीके से दिखाई देगी। हो सकता है मैं इसे इमेज पढ़कर भी मैं आपको बता देता हूं, रुक जाइए एक मिनट वेट कीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राम राज्य के आधार पर गांधी जी के चरित्र की प्रेरक बातों का विवेचना कीजिए, यही बातें लिखा गया है। कहां पे, राम राज्य में लिखा गया है, यानी कि राम राज्य में पहले कथा वस्तु पूछा जा सकता है या नाट्य शिल्प पर प्रकाश डालने के लिए बोला जा सकता है, या तो आपसे पूछा जाएगा कि राम राज्य के आधार पर गांधी जी के प्रेरक बातों की विवेचना कीजिए। राम राज्य से मात्र यही तीन क्वेश्चन बनते हैं और तीन क्वेश्चन में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में निश्चित रूप से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से रहेंगे तो रहेंगे ही। संघ मित्रा और राम राज्य से एक एक क्वेश्चन निश्चित रूप से रहेंगे, यानी कि 30 नंबर निश्चित यही चार क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा, निश्चित रूप से नोट कर लीजिए तो कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे अपना 45 नंबर कंफर्म हुआ और 45 नंबर में आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आप इसका आंसर भी तैयार कर लेंगे और जब आंसर तैयार हो जाएगा तो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से 35 से 40 नंबर आपको निश्चित रूप से मिलेंगे, तो मिलेंगे ही। 45 में 45 कभी किसी को मिला ही नहीं है और ना कभी मिले,
क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे उससे पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, क्योंकि यहाँ पे 5 से 7 हजार स्टूडेंटों के पास अपना तो नोटिफिकेशन डीबीएस टीम तो पहुंच चुकी है, लेकिन बिहार यूनिवर्सिटी में 1 लाख के आसपास में स्टूडेंट है। कितना? 1 लाख के आसपास में स्टूडेंट है, जो सभी स्टूडेंटों के पास अगर डीबीएस टीम पहुंच जाती है तो काफी हेल्प मिलेगी बहुत सारे स्टूडेंटों को, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरे चैनल के माध्यम से हम नहीं करना चाहते हैं कि पेड प्रमोशन या कोई भी कार्य नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे स्टडी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिहार यूनिवर्सिटी के लिए उपलब्ध होते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, डेली शाम को 7 बजे एक सेशन चलती है, जो रीजनिंग सब्जेक्ट की होती है। चाहे आप रेलवे का तैयारी करें या एसएससी का तैयारी करें या बैंक का तैयारी करें, किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आपके एग्जाम में रीजनिंग तो पूछा ही जाता है। क्या पूछा जाता है? रीजनिंग तो पूछा ही जाता है, और रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी डीबीएस टीम के साथ कर सकते हैं, वो भी शाम को 7 बजे जुड़ेंगे, डेली क्लासेस होती है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे जो 45 नंबर का सिलेबस तो हम लोग और गेस्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं। पहला अंजनी से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, संघमित्रा से और राम राज्य से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। संघमित्रा और राम राज्य से संबंधित जो क्वेश्चन आपको बताए हैं उससे 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपके हर सेप्टर में पूछे जाएंगे, तो निश्चित रूप से संघमित्रा और राम राज्य को पढ़कर ही जाइएगा, चाहे आप कोई आंजने पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन आपको संघमित्रा और राम राज्य पढ़ना तो है ही, तभी आपको 45 में 30-35 नंबर आपको मिलने की संभावना रहेगी। आगे यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हीं 2 पर अर्थ स्पष्ट कीजिए, जो यहाँ पे पहले बुक समरी में के बाद मैं आपको क्या बताया हूं, बुक पोएम, वहीं पे इस प्रकार के कुछ लाइनें आपको दिए होते हैं, क्या इस प्रकार के कुछ लाइनें दिए होते हैं, और इसका बोला जाता है कि अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ आप स्पष्ट कैसे करेंगे, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। सबसे पहले देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर अर्थ स्पष्ट कीजिए, यहाँ पे 5 लाइनें आपको दिए होंगे और 5 में से मात्र 2 का आंसर देना है, अथवा कर करके दिया होगा, या तो हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर भी करके, नंबरिंग करके भी आपको क्वेश्चन दिया हो, तो मात्र 2 क्वेश्चन का ही आपको सारांश यानी कि अर्थ स्पष्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, आप नीचे का 3 पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन सबसे पहले 1 नंबर और 2 नंबर निश्चित रूप से पढ़कर ही जाएंगे। आजादी का अर्थ नहीं केवल कपड़ा रोटी मकान चाहिए, आदमी को अपनी वाणी का भी पूरा स्वतंत्रता चाहिए, बिलान चाहिए, यह भी आपसे बोला जा रहा है। और यह क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं, अभी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और इससे संबंधित यह क्वेश्चन है, आजादी का अर्थ नहीं रोटी केवल कपड़ा रोटी मकान चाहिए, आदमी को अपनी वाणी का भी पूरा बिलान चाहिए। सेकेंड में पूछा जा रहा है, गुलाम छुटकारा पाने के लिए जो रुपये देता है उसे मुक्ति धन कहते हैं, ये दोनों निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है कि आपके 2 दिन आपका एग्जाम होगा तो 2 दिन एग्जाम में एक इस सेप्ट में पूछ लिया जाए, साइंस आर्ट्स के लिए पूछ लिया जाए तो दूसरे दिन कॉमर्स के लिए पूछा जाए। इस प्रकार से अपने सेप्ट में 2 ग्रुप में बांटे हुए रहते हैं, अलग अलग ऑनर्स पेपर के अकॉर्डिंग वह बांटा हुआ रहता है। यहाँ पे देखेंगे तीसरा अपना शब्द लिया गया है, जो लाइने ली गई है वह सब कुछ बदल गया है मगर बोलियां नहीं बदली, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसका भी अर्थ स्पष्ट करने के लिए बोला जा सकता है। हो सकता है कि 5 में से 2 ही आपके एग्जाम में है, तो आपके एग्जाम में 2 ही लिखने के लिए बोला जाता है, न कि ज्यादा लिखने के लिए बोला जाता है, तो 2 आ जाएंगे तो आप निश्चित रूप से लिख ही लेंगे। और 1 कितने नंबर का होगा, 1 अर्थ स्पष्ट करेंगे तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 10 नंबर मिल जाएंगे, यानी कि यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार आगे देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 में लिखा गया है, क्या आदमी जितना ऊंचा होता है वह उतना ही झुकता है, यही सादा से फलवानी का कहना है, यही सादा से किसका कहना है, फलवानी का कहना है। 5 नंबर में देखिए, अंश भी होता है पूरी लक्ष्य प्राप्त करके, रुद्र भी होता है एक दशा सामर्थ्य रामरथ्य शिव रूप स्वरूप है, इसका भी आपको अर्थ स्पष्ट करना है। यहाँ पे तो क्लियर हो गए अर्थ स्पष्ट और पोएम, लगभग अभी तक हम लोग 65 नंबर का गेस क्वेश्चन देख चुके हैं। आगे एक निर्बंध है, निर्बंध में कौन सा इंपॉर्टेंट है इसको भी मैं आपको हाईलाइट करूंगा, जैसे कि पोएम में आपको हाईलाइट कराया था कि कम से कम ये 2 आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है, और समरी में जो समरी लिखने के लिए बोला गया था वहां पे राम राज्य और संघ मित्रा का निश्चित रूप से आपके एग्जाम में छपेगा। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्नलिखित में से किसी एक पर निर्बंध लिखिए, निर्बंध लिखना है, हो सकता है इनमें से 6 निर्बंध मैं आपके सामने दिया हूं, हो सकता है 1-2 आपके एग्जाम में एक ही लिखने के लिए बोला जाता है, हो सकता है 2-3 आपके एग्जाम में छप भी जाए, हो सकता है कि 90 छपे, क्योंकि निर्बंध का कोई छोटा सा स्वरूप नहीं है, कोई भी
टॉपिक दे सकता है निर्बंध लिखने के लिए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो मैं आपको दिया हूं कम से कम एक दो बार आप इसे पढ़कर ही जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस पे भी आपको आ सकता है क्योंकि अभी हमें तत्काल में ही स्वतंत्रता दिवस मनाया है। इसके बाद में सेकंड में है नया भारत। नया भारत का क्या स्वरूप है इससे भी संबंधित लिखने के लिए आपको बोला जा सकता है, या बोला जा सकता है कि भारतीय संस्कृति क्या है इस पे आप लिखिए निर्बंध। आतंकवाद पे लिखना होगा, नारी शक्ति पे लिखना हो सकता है, नारी शक्तिकरण पे भी लिखना हो सकता है, या बिहार में बाढ़ का क्या प्रभाव पड़ता है इस सभी के बारे में लिखना होता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है मैं उसको थोड़ा यहाँ पे क्या करता हूँ हाईलाइट कर देता हूँ। तो सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस पे भी पूछा जा सकता है क्योंकि तत्काल में हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं 15 अगस्त, और ऑप्शन नंबर 5 यानी कि नारी शक्तिकरण से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ बिहार में बाढ़ का क्या प्रकोप है, अभी बाढ़ का समय भी चल रहा है, हो सकता है कि बाढ़ से भी संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ आगे बताना चाहता हूँ यहाँ पे लिंग निर्णय, विपर्यार्थक और मुहावरा जो लिखा हुआ है इससे आप कैसे डील करेंगे। यहाँ से यह निर्बंध कितने नंबर के बोले जाते हैं, तो 20 नंबर के। कितना हुआ टोटल 85 नंबर का हम लोग सिलेबस अभी तक और गेस क्वेश्चन को देख चुके हैं, और 15 नंबर का बाकी रहा। तो यहाँ पे लिंग निर्णय जो होते हैं, क्या लिंग निर्णय जो होंगे वह 10 क्वेश्चन में से 10 रहेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10 रहेंगे, जिनमें से आपको मात्र 5 का ही आंसर देना होगा, 5 का देना होगा। और 5 का आंसर देंगे तो वह कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का, यानी कि 5 नंबर लिंग निर्णय से मिलेंगे। और मुहावरा से कितना मिलेगा, मुहावरा से आपको 10 क्वेश्चन में से मात्र 5 का ही आंसर देना होगा, और 5 का आंसर देंगे उसके लिए भी आपको 1-1 नंबर मिलेंगे, यानी कि 5 नंबर यहाँ से होंगे। और विपर्यार्थक यानी कि अपोजिट लिखना पड़ता है, गर्म का ठंडा, ठंडा का गर्म, इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे विपर्यार्थक जो आपको लिखने होंगे उसका क्या होगा, विपर्यार्थक लिखने होंगे उसका क्या होगा, उसमें भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें भी आपको 5 क्वेश्चन का ही आंसर देना होगा, और वो भी 1-1 नंबर के होंगे, यानी कि 5 नंबर यहाँ से 15 नंबर हुए। लेकिन यहाँ पे मैं 15 नंबर मानकर चलता हूँ, कितना यहाँ से 15 नंबर में से आपको कम से कम 12 नंबर मिलने की संभावना होगी। हो सकता है 1-2 विपर्यार्थक या लिंग निर्णय या मुहावरा में कोई मिस्टेक भी हो, याद भी ना हो। इसका तैयारी आप कैसे करेंगे, लिंग निर्णय, विपर्यार्थक और मुहावरा का, इसके लिए आप लोग या तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं आप सभी को क्वेश्चन उपलब्ध करा दूंगा जो लिंग निर्णय का होगा, मुहावरा का होगा और विपर्यार्थक का होगा, वह काफी इंपॉर्टेंट होंगे। और किस ईयर का मैं उपलब्ध कराने वाला हूँ उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। DVS टेलीग्राम ग्रुप को आप क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, वहां पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। हो सकता है कि उसी में से 2-4 क्वेश्चन आपको पूछे जाए, तो हो सकता है कि आपका एग्जाम में 2-4 नंबर बढ़ भी जाए। जब क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे तो आपका नंबर क्या होगा, बढ़ जाएगा। DVS टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैं 2019 का, 18 का, इसके बाद 2017 का क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, और यहीं से लिंग निर्णय, मुहावरा, विपर्यार्थक शब्द पूछने की संभावना है। यहाँ पे हम सभी लोग टोटल 100 नंबर का सिलेबस के साथ गेस क्वेश्चन का यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, और आज का वीडियो इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को क्या करना है, लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि Part 3 का जब आपका एग्जाम होगा, क्या जब Part 3 का आपका एग्जाम होगा उस टाइम DVS टीम फिर से आप सभी के लिए क्या करेगी, Part 3 का जब आपका एग्जाम होगा उस टाइम भी आप सभी के लिए काफी DVS टीम मदद करेगी, DVS टीम काफी मदद करेगी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए कोई भी चार्जेज आपको देने नहीं होंगे। आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे कल किसी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।